नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सत्येंद्र कुमार पे स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में कुछ नया लेकर आया हूँ आपके लिए कि जिससे आप लोग कुछ बेहतर सीख पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आज की जो वीडियो है वो सैलरी के ऊपर है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, बहुत से लड़के या लड़कियाँ अपना फ्यूचर जो है HR फील्ड में चुनना चाहते हैं और वहाँ जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनको होता क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में जो है किसी भी सीनियर मैनेजर द्वारा कोई ऐसा काम नहीं दिया जाता कि मतलब वो सीख पाए। उनको क्या है, नॉर्मली जो है हाउसकीपिंग का काम दे दिया जाता है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम दे दिया जाता है या अटेंडेंस की एंट्री का काम दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की मैं अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि किस तरीके से सैलरी प्रिपेयर होती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, मैं आपको जो है अपनी ट्यूटोरियल वीडियो पर लेकर चलता हूँ, जिसमें मैं एक एक्सेल की वर्कबुक पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो है सैलरी किस तरीके से प्रिपेयर होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की कि दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगी सैलरी बनाने के लिए, हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो भी इम्प्लॉई होगा उसका नाम होना चाहिए, उसके पिताजी का नाम होना चाहिए, वो उसकी डेजिग्नेशन क्या है वो होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो होनी चाहिए, उसकी कितनी सैलरी है, उसकी कितने पेबल डेज हैं यानी कितने दिन उसके वर्किंग के हैं और कितने आपने वीकेंड ऑफ दिए हैं, तो वो टोटल मिला के उसके पेबल डेज बन जाते हैं, और कितना उसका ओवर टाइम है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे अगर वो इंसेंटिव कंपनी देती होगी तो इंसेंटिव उसका बना है या नहीं बना है, ये सारी चीज़ें आप अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सेल की वर्कबुक पर लेके चलता हूँ कि किस तरीके से सैलरी प्रिपेयर होगी। तो इसके लिए आप एक्सेल खोल लेंगे, एक्सेल की सीट। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ सीरियल नंबर, दूसरा मैं डालता हूँ एम्प्लॉय नेम, तीसरे कॉलम में डालता हूँ मैं फादर नेम, फिर उसके बाद से मैं लेता हूँ डेजिग्नेशन, फिर लेता हूं मैं डिपार्टमेंट, फिर लेता हूं मैं ड्यूटी आवर, फिर मैं लेता हूं सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है, फिर लेते हैं हम पेबल डेज, फिर लेते हैं उसका डेज अमाउंट, फिर लेते हैं ओटी आवर, फिर लेते हैं ओटी अमाउंट, फिर यदि आपकी कंपनी अगर इंसेंटिव देती है तो यहां आप चाहें तो इंसेंटिव का कॉलम ऐड कर सकते हैं, नहीं देती है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से मान लीजिए मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको वैसे ही समझा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा टोटल अमाउंट, उसके बाद से यहाँ जो हो जाएगा डिडक्शन, फिर हो जाएगा पेपल सैलरी अमाउंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सीरियल नंबर एक ले लिया, मान लीजिए इसका नाम जो है राम है, मान लीजिए इसका नाम राम है, पिताजी का नाम मान लीजिए श्याम है, डेजिग्नेशन मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, डिपार्टमेंट मान लीजिए स्टोर है, ड्यूटी आवर मान लीजिए इसे 8 घंटे का है, सैलरी मान लीजिए 12,000 है, पेबल डेज मान लीजिए इसके 21 दिन, इसने मतलब 21 दिन का इसका पेमेंट बना है, और डेज अमाउंट अभी निकालेंगे, मान लीजिए ओवर टाइम इसका 18 घंटे है। तो चलिए अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अब जैसे डेज अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सैलरी को डिवाइड करना है मंथ डे से। अब मंथ डेज आपकी कंपनी में चाहे 26 का भी हो सकता है, कहीं 30 का होता है,
और 31 ले सकते हैं, जैसे कहीं मंथ डे अगर 30 का है तो 30 से करते हैं, कहीं 31 से होता है 31 से करते हैं, और कुछ कुछ कंपनी में होता क्या है कि 26 से डिवाइड करते हैं, वहां संडे को काउंट नहीं करते, लेकिन जहां सैलरी 30 या 31 से डिवाइड होती है वहां हम संडे काउंट कर लेते हैं। यानी जिस यानी इस एम्प्लॉय का मान लीजिए 21 दिन का पैसा बना है तो इसमें उसका संडे इंक्लूड है, मान लीजिए इसकी ड्यूटी 18 दिन है, 18 दिन ये उपस्थित रहा है और इसको हमने जो है 3 दिन का वीकली ऑफ दिया है, तो टोटल 21 दिन इसका पेबल डे मतलब जो है डेज बन गया पेबल डेज। तो इसको डेज अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी डिवाइड बाय मंथ डेज, मान लीजिए 30 का महीना था तो 30 मल्टीप्लाई बाय पेबल डेज, ये इसका डेज अमाउंट निकल गया। और उसके बाद से हम बात करते हैं ओटी अमाउंट की, तो ओटी अमाउंट के लिए क्या करना है, सैलरी डिवाइड बाय मंथ डे, 30 का महीना था डिवाइड बाय 8 घंटे की ड्यूटी थी तो डिवाइड बाय 8, फिर मल्टीप्लाई बाय ओटी आवर, ये इसका ओटी अमाउंट निकल गया। टोटल अमाउंट के लिए हम डेज अमाउंट प्लस ओटी अमाउंट को यहाँ कर दिया तो टोटल 93 हो गया। मान लीजिए इसका डिडक्शन जो है टोटल मिला के 500 रुपये का, मान लीजिए इसका डिडक्शन है, चाहे एडवांस का हो चाहे कैंटीन का हो या कोई भी डिडक्शन आपकी कंपनी में जो भी चल रहा हो, मान लीजिए हम 500 रुपये मान लेते हैं, तो पेबल सैलरी अमाउंट जो कितना होगा इसका, टोटल अमाउंट माइनस डिडक्शन, यानी टोटल डिडक्शन मान लीजिए इसको, ये इसका बन गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे आदमी का ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरा आदमी है उसका नाम मोहन है, पिताजी का नाम मान लीजिए राम सिंह है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, सुपरवाइजर है, डिपार्टमेंट मान लीजिए इसका प्रोडक्शन है, ड्यूटी आवर मान लीजिए इसकी 12 घंटे की है, इसकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, इसके डेज मान लीजिए 28 दिन का इसका पेमेंट बना है और ड्यूटी मान लीजिए इसका 25 घंटे का है, तो इसका डेज अमाउंट सेम ऐसे ही निकलेगा। चाहें तो आप इसको यहाँ से नीचे भी खींच देंगे तो यहाँ देखिए ये कैलकुलेशन हो जाएगा, और चाहें तो आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से इसके नीचे की तरफ खींचेंगे तो आसानी रहेगी, सभी वर्करों का एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे इसका 12 घंटे का है ड्यूटी और इसकी सैलरी है 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 था यहाँ, तो ये हो गया हमारा डे सैलरी डिवाइड बाय, जैसे 30 से कैलकुलेशन की थी 30 मल्टीप्लाई बाय पेबल डेज, ये देखिए ये आ गया इसका, और इसका 25 घंटे का ओटी है। इसका ओटी अमाउंट हम ऊपर से इसे नहीं खींचेंगे, खींचेंगे इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि इसका जो है 12 घंटे, अगर खींच देंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसका 8 घंटे का होगा उसका डिवाइड बाय 8 से होगा, जिसका 12 घंटे का होगा उसका 12 से होगा। अभी जैसे इसका 12 है, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको नीचे खींच दिया, ये आ रहा है, तो इसको हमें करना क्या होगा, यहाँ चेंज करना होगा, यहाँ जो है हमें ये क्लिक करके 12 को सिलेक्ट करना होगा, एंटर मार देना होगा, ये निकल गया। और उसके बाद से यहाँ टोटल अमाउंट हो जाएगा डेज अमाउंट प्लस ओटी अमाउंट, और मान लीजिए इसका डिडक्शन 150 रुपये का है, अगर डिडक्शन नहीं है तो 0 कर देंगे। अब इसको आप ऐसे नीचे खींच देंगे, इस तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेशन होती है। अब ग्रांट टोटल करने के लिए इसी तरीके से आप जो भी 10 15 20 50 जो भी इम्प्लॉइज होंगे सबका आप डिटेल डाल के इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, और उसके बाद से लास्ट में जो है इनका ग्रांट टोटल कर लेंगे। यार ये देखिए जैसे ये फॉर्मूला लग गया है इसमें सम का, डायरेक्ट मैंने यहां से सिलेक्ट करके एल्ट के साथ इक्वल दबा दिया और इसको सब हटा लेंगे। चाहे तो आप राउंड अप का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये उसका ग्रांड टोटल हो गया। अब दोस्तों जैसे हम कोई पूछता है कि मैंडेज कितने हुए, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि मैंडेज बोलते किसे हैं, तो मैंडेज जो दोस्तों ये हमारा जितना ही पेबल डेज हुआ हमारा, ये टोटल मैंडेज हुआ, कितने मैंडेज हुए हमारे, यानी कितने दिन का पैसा हम दे रहे हैं और कितने दिन काम किया उसने, ये मैंडेज हो गया। जैसे हम मैंडेज की बात करेंगे तो 49 मैंडेज हो गया, और ओटी आवर जैसे इसका ओटी आवर 43 मतलब 43 घंटे का हो गया,
और ओटी मैंडेज कैसे निकालेंगे, जैसे कोई कहता है कि ओटी मैंडेज कितना हुआ, तो ओटी को डिवाइड कर देंगे हम 8 से, जैसे 43 है तो 43 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो इसका ओटी का मैंडेज निकल जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल मैंडेज हमारे 97 हुए, यानी 97 मैंडेज हमने यूज किए। इसी तरीके से दोस्तों जितना जितने इंप्लॉयज होंगे सबका नीचे निकाल के टोटल सब डिटेल्स डाल के लास्ट में ग्रांट टोटल करके आप इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन कर पाएंगे मैंडेज ओटी आवर्स और टोटल मैंडेज का और सैलरी किस तरीके से बनेगी। तो ये मैंने प्रोसेस आपको बताई दिया है। तो दोस्तों तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने की ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी को प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी दोस्तों दूसरी तरीके से सैलरी की जो कैलकुलेशन होती है जिसमें पीएफ ईएसआई वगैरह का होता है, तो उसका मैं समझाऊंगा आपको अपनी अगली वीडियोस में कि किस तरीके से लेते हैं। और जैसे कि उसमें फॉर्म होता क्या है कि जहाँ ये पीएफ ईएसआई वगैरह नहीं लागू होता है, डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी होती है, तो ये मैंने एक सिंपल बताया है तरीके से। अगर उसमें होगा तो उसमें बेसिक और एचआरए वगैरह सब अलग अलग हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जो हमारी सैलरी जैसे 12,000 है तो 12,000 का हमें बेसिक अलग निकालना पड़ेगा, कितना हमारा बेसिक रहेगा, एचआरए कितना रहेगा, उसका कन्वेंस कितना रहेगा, या उसका स्पेशल अलाउंसेस या अदर अलाउंसेस कितनी रहेंगी, उस हिसाब से कैलकुलेशन निकाल के फिर बेसिक रेट पर जो है पीएफ का डिडक्शन होता है, और ईएसआई का डिडक्शन जो होता है टोटल ग्रॉस पे होता है, जो इंक्लूडिंग ओटी आवर। जैसे अब ईएसआई का कैलकुलेशन होगा वो टोटल इस अमाउंट पे होगा जितना उसका बनना है पेबल अमाउंट इंक्लूडिंग ओटी, तो वो मैं आपको अगली अपनी वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी आप सभी को। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे प्रिय दर्शक मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ में ही नीचे रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ ही एक बेल आइकन होगा उसको दबाकर प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट्स होंगी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है समय समय पर पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों जो मैं अपने इस चैनल पे आप सभी को जो है बहुत ही जानकारियां दूंगा जो आप लोगों के फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों अभी इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।